आपकी हिप रिप्लेसमेंट को 7 हफ्ते गुजर जाते हैं और आपके हिप के अराउंड मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि आप नॉर्मल तरीके से स्टेयर्स को चढ़ें और उतरें। हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि 7वें हफ्ते में 3 स्टेप्स की प्रैक्टिस करें, 8वें हफ्ते में आप 6 स्टेप्स की प्रैक्टिस करें, 9वें हफ्ते में आप 9 स्टेप्स की प्रैक्टिस करें और 10वें हफ्ते में 12 स्टेप्स की प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आप जो है 11वें हफ्ते के अंदर नॉर्मल तरीके से दिन में एक दफ़ा सीढ़ियाँ चार उतर सकते हैं। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि एक हाथ में रेलिंग को पकड़े, दूसरे हाथ में स्टिक को पकड़े और नॉर्मल तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करें, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आपको लगे कि आप एक नॉर्मल स्टेप्स आदमी ले रहा है। और उतरते वक्त भी आपने सीढ़ियाँ जब उतरनी हैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक हाथ में आपने स्टिक को पकड़ना, एक हाथ में रेलिंग पकड़नी है और आपने कंफर्टेबल तरीके से सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश करें। जब आप इस तरीके से ड्रिल करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो 11 हफ्ते तक आपको नॉर्मल तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे होंगे।